कौन करेगा फिल्म की सिनेमेटोग्राफी? क्या फिल्म का एक्शन होगा जस्टिफाई? क्या सलमान खान दबंग की शूट में करेंगे और देरी? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। कुछ फिल्म न सिर्फ मेकर्स को बल्कि एक्टर्स को भी एक नई पहचान देती हैं, और वो एक्टर्स उस किरदार या उस फिल्म की वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे खलनायक के बाद संजू, ऐसे ही दबंग के बाद भाईजान। फिल्म दबंग को इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया और शूट करा गया कि लोग फिल्म की कहानी के दीवाने हो गए। फिल्म के हर सीन पर लोगों की तालियां और सीटियां नहीं रुकी। ऐसे में बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी महेश लिमाया ने, जो इससे पहले बाजीराव मस्तानी और दबंग के पहले पार्ट में भी सिनेमेटोग्राफी कर चुके हैं। ऐसे में बात करें फोर्थ इंस्टॉलमेंट की, तो इसमें भी हमें महेश का कैमरा वर्क देखने को मिल सकता है, और आने वाले फोर्थ पार्ट को भी महेश ही एज अ सिनेमेटोग्राफर दिखाई दे सकते हैं। 2022 में लोगों को इतना एक्शन देख लिया है जितना शायद बॉलीवुड में पूरे 22 साल में नहीं देखा होगा, और सभी में से एक से बढ़कर एक एक्शन। और जब से नए हीरो बॉलीवुड में आए हैं, फिर वो टाइगर श्रॉफ हो या फिर आदित्य रॉय कपूर, सबने ये लेवल और हाई कर दिया है। पर कई बार फिल्म के एक्शन की तारीफ कम मजाक ज्यादा उठता देखने को मिलता है। ऐसे में भाईजान के लिए दबंग 4 में एक्शन का भार और बढ़ चुका है, और भाईजान को फिल्म में काफी तगड़े एक्शन सीक्वेंसेस दिखाने होंगे, नहीं तो फिल्म रेस 3 की तरह हमें दबंग 4 भी मजाक उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब भाईजान के शर्ट उतरे और बात नहीं बनेगी, उन्होंने फिल्म में थोड़े रियल फाइट सीन्स दिखाने की जरूरत है। बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, हर जगह हमें सभी फिल्म का शेड्यूल आगे पीछे ही देखने को मिला है। पर आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं और जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, उनके तो हमने प्रोजेक्ट कभी रुकते हुए नहीं देखे। मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की, जिन्होंने कोरोना में भी लोगों को अपनी म्यूजिक वीडियो से कभी खेती करते हुए एंटरटेन किया। पर बात करें उनकी फिल्म दबंग 4 की, तो वो हमें और देरी से देखने को मिल सकती है, और इस देरी की वजह कोरोना नहीं बल्कि भाईजान पर हुए जानलेवा हमला है। ऐसे में हमें उनके कई प्रोजेक्ट डिले होते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसमें से एक दबंग 4 भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिल्म में हमें देखने मिलेगा भाईजान का नया एक्शन रूप, या फिर वही शर्टलेस एक्शन से करेंगे ऑडियंस को बोर? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।